देखो जैसा यहाँ का सर्विस सेंटर है और गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसे सर्विस होती है। 2500 किलोमीटर चलाने के बाद ये देखो इसका नट बोल्ट पूरा ढीला हो गया। क्लच एकदम सही चल रहा है तो उन लोगों ने बोला क्लच हार्ड है तो बोले 200 रुपये का आएगा और 150 रुपये एक्स्ट्रा मजदूरी लगेगी। तो ये चेन क्लीनर लगाने से देखो अब कुछ इस तरह से ये जंग निकल जाएगा पूरा, आप देख सकते हो ये चेन को अच्छे से क्लीन कर डाला है आपको। हे दोस्तों नमस्ते, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हमारी बुलेट का है फर्स्ट सर्विस हंटर 350 का। मेरी गाड़ी की पहली सर्विस मिस हो चुकी है। 500 किलोमीटर पे पहली सर्विस मिलती है लेकिन मैंने 500 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला ली थी तो उसकी वजह से पहली सर्विस मिस हो गई है। हम लोग अपनी दूसरी सर्विस लेने आ चुके हैं तो देख सकते हो आप हमारी जो गाड़ी है गाइस ये लगभग 2500 किलोमीटर चल चुकी है। 2500 किलोमीटर जितनी गाड़ी चल चुकी है और इसकी हालत अभी क्या हुई आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिट्टी लगी है पूरी, पूरा मैला हो चुका है गाड़ी। गाड़ी की चेन पे थोड़ा जंग लग चुका है और चेन ढीली भी हो चुकी है तो उसकी वजह से गाड़ी में नॉइज भी बहुत आ रहा है चेन का और बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हो। ये 2500 किलोमीटर चलाने के बाद ये देखो इसका नट बोल्ट पूरा ढीला हो गया। बाकी इसका ब्रेक वगैरह सब सही से काम कर रहा है, अभी कोई इशू नहीं है इंजन में। अभी देखते हैं ऑयल वगैरह चेक करवा लेते हैं, बस बाकी इतनी सी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, बाकी गाड़ी में और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ एक थोड़ी सी बीप करने की आवाज़ आ रही है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लेकिन वो हम ठीक करवा लेंगे, जाके सर्विस सेंटर में बताते हैं भाई इसका क्या सीन है, अगर वो करके देते तो ठीक है। और देखते हैं शोरूम वाले क्या क्या सर्विस इंक्लूड करके देते हैं। उन लोगों ने बोला है बस ऑयल चेंज नहीं करेंगे, ऑयल के सिवा बहुत सी चीज़ें अंदर जो सर्विस में इंक्लूड होती है वो आपको सभी सर्विस करने के बाद इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ गाइस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम सीधा चलते हैं शोरूम पे और आपको दिखाता हूँ सर्विस सेंटर। तो दोस्तों यहाँ का बुलेट का सर्विस सेंटर कुछ इस टाइप का है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सर्विस सेंटर है यहाँ का और हमारी गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है सर्विस में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वॉशिंग होती है तो इसके बाद ये सर्विस सेंटर है कुछ, उसके बाद आप यहाँ पे गाड़ी वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, देख सकते हो ये सर्विस कैसे हो रही है गाड़ियाँ। देखो जैसा यहाँ का सर्विस सेंटर है और गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसे सर्विस होती है, देख सकते हो एक साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाड़ियाँ एक साथ में सर्विस हो रही है यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले आपका जॉब कार्ड बनेगा यहाँ पे, उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे कस्टमर वेटिंग एरिया में भी वेट कर सकते हो। दोस्तों ये हमने गाड़ी यहाँ पे रख दी है सर्विस में, अभी शाम को आते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या लोग सर्विस करके देते हैं। ये कंडीशन में अभी गाड़ी है, अभी आपको दिखाता हूँ इन लोगों ने क्या क्या बताया सर्विस के लिए। तो दोस्तों सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अगर आप पहली सर्विस नहीं कराते तो आपको इंजन वगैरह में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने उन लोगों ने बोला आपको 235 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो मैंने 230 रुपया 40 रुपये कुछ एक्स्ट्रा पे किया है पहली सर्विस मिस हुई उसके लिए। तो मैं अभी फिलहाल फर्स्ट सर्विस करा रहा हूँ क्योंकि मैं सब सर्विस रेगुलर कराऊंगा तो ही मुझे इंजन वगैरह की वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बाइक अपनी सर्विस होके आ चुकी है, आप देख सकते हो। सो है दोस्तों फाइनली सुबह हम लोगों ने सर्विस में रखी थी बाइक और शाम को हमको मिल गई थी लेकिन मैंने 2 दिन चलाई तो इसलिए थोड़ी गाड़ी की हालत ऐसे दिख रही है आपको, ये आप देख सकते हो सर्विस कराने के बाद भी थोड़ी हालत थोड़ी गंदी हो चुकी है इसकी। मैंने सोचा 2 दिन चलाने के बाद उसके बाद अपने रिव्यू करते हैं। तो देखो फर्स्ट सर्विस में ऐसा है कि अगर आप मेरी पहली सर्विस मिस हो गई थी, 500 किलोमीटर ख़त्म हो चुके थे तो उसके लिए मैं सेकेंड सर्विस कराने के लिए गया लेकिन उन लोगों ने यूँ बोला कि अगर आप पहली सर्विस कंपनी में नहीं करवाते पहली 4 सर्विस तो आपको इंजन वगैरह की वारंटी नहीं मिलेगी। तो मैंने फर्स्ट सर्विस 230-40 रुपये एक्स्ट्रा देके करवा ली और मुझे एक्स्ट्रा ऑयल मुझे चेंज करवाना पड़ा, ऑयल का चार्ज मुझे कुछ 650 के 690 के समथिंग पड़ा था। ऑयल भी आपको कंपनी से ही चेंज करवाना पड़ेगा अगर आपको इंजन की वारंटी चाहिए तो,
अदरवाइज आपको इंजन की वारंटी नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर चारों चार सर्विस और दो बार ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा कंपनी से। और भी आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खामियां ये लोग बताएंगे आपके पास खर्चा करवाने के लिए। ये लोग बहुत सी खामियां दिखाते हैं, जैसे मेरा ये क्लच एकदम सही चल रहा है, तो उन लोगों ने बोला भाई क्लच हार्ड है, तो बोले 200 रुपये का आएगा और 150 रुपये एक्स्ट्रा मजदूरी लगेगी। तो मैंने सोचा भाई वो अभी नहीं करवाना, क्योंकि मुझे एकदम ओके लगा था, 2000 किलोमीटर में कोई क्लच वायर ख़राब नहीं होता है, तो उसकी वजह से मैंने क्लच वायर वगैरह चेंज नहीं करा। और वो लोग बोले थे एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेंट करना पड़ेगा चेन पे, हाँ वो तो ज़रूरी है, चेन को ल्यूब करना पड़ता है हर 15-20 दिन पे, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं करवाया। आपको वहाँ पे बोले कि 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने को चेन को ल्यूब करने के लिए। आप देख सकते हो ये चेन की हालत क्या हो चुकी है, अभी पूरा जंग लग चुका है। और 2000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा ये पूरा बोल्ट निकल गया था, आप देख सकते हो, ये बोल्ट मैंने बाहर से डलवा लिया फ्री में, कंपनी वाले इसका चार्ज बोल रहे थे, तो मैंने ये बोल्ट वहाँ से नहीं डलवाया। 2000 किलोमीटर में इस पंखे का बोल्ट ढीला हो गया था और निकल के गिर गया। और आपको पहली चार सर्विस में बेसिक सी सर्विस मिलेगी, वॉशिंग वगैरह होगा, फिटिंग वगैरह होगा, चेन वेन सब, बस वही बेसिक सर्विस मिलेगी, और दूसरा जो भी चीज़ रहेगा चार्जेबल रहेगा। तो दोस्तों चेन में जंग लग चुका था, और कंपनी में आप इसको ल्यूब करवाते तो आपको 200 रुपया वो लोग चार्ज करते, लेकिन 200 रुपये में मैं चेन ल्यूब लेके आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, कोई भी आप अच्छी सी होलसेल की शॉप से ले सकते हो उसको। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, ये मुझे 220 रुपये में पड़ा है। इससे आप 6-7 बार अपनी चेन को ल्यूब कर सकते हो, मतलब आपका 3-4 महीना ऐसे ही चल जाएगा, और कंपनी में वन टाइम खाली 200 रुपये में इसका ल्यूब करके देंगे। और मैं उसके साथ साथ ये 220 रुपये का चेन क्लीनर भी लेके आ चुका हूँ, और दोनों कॉम्बो मुझे पड़े 440 रुपये में। तो आपको दिखाता हूँ इसको ल्यूब कैसे करना है और चेन को क्लीन कैसे करना है। तो दोस्तों चेन पे जंग लग चुका है, तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। याद रखना आपको पहले गियर में ही गाड़ी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं चालू करनी, क्योंकि फिर चेन बहुत तेज़ घूमने लगेगी। तो आपको पहले गियर में गाड़ी डाल के ऐसे ऐसे स्प्रे मारना है। ये आपने एक साइड से मार दिया, फिर आपको दूसरी साइड से मारना है स्प्रे। तो दोस्तों ये चेन क्लीनर लगाने से देखो आप कुछ इस तरह से ये जंग निकल जाएगा पूरा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ ऐसे कपड़े से इस चेन को अच्छे से क्लीन कर डालना है आपको। तो दोस्तों ये चेन का ल्यूब है, आप देख सकते हो, तो बस आपको चेन क्लीन करके चेन क्लीनर से अच्छे से चेन क्लीन करनी है, उसके बाद ल्यूब करना है। ये 6-7 बार चल जाएगा, तो इसमें अच्छा खासा आपके पैसे बच जाएंगे। इसको भी सेम तरीके से सब पाइप ज्वाइंट करना है, फिर गाड़ी ऐसे फर्स्ट गियर में डाल के चलानी है, मेन स्टैंड पे खड़ी रखिए, फिर ऐसे आपको एक राउंड घूमे तब तक लगानी है, पूरा एक राउंड घूमेगा दोस्तों। ये एक राउंड घूम गया, फिर सेकंड राउंड आपको इस साइड से लगाना है। तो दोस्तों ये सेम प्रोसेस आपको हर 15-20 दिन में करनी है, बस कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट अपनी बाइक को देना है, बहुत ही अच्छी स्मूथ चलेगी, चेन में से आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो बस आप ही मेरी तरह करो, बाहर से लेके आओ, ये चेन में ल्यूब वगैरह आपको कंपनी में करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से ख़रीद के लाओ, आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे दोस्तों। ये वन टाइम आपको 200 में ख़रीदना है, और आप कम से कम 6-7 बार ल्यूब कर सकते हो, तो बस इसके बाद अपनी बाइक मक्खन चलेगी। और रिव्यू में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये नॉर्मल रिव्यू था सर्विस का, फर्स्ट सर्विस आपको कैसे करनी है, क्या क्या करना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। कंपनी में जाओगे आपको बहुत सारा खर्चा दिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा अपना दिमाग चला के आपको ज़्यादा पैसा उनको देना नहीं है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें वही कराओ, बाकी आप बाहर से लेके कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी और एक चीज़ बता दूँ जो आप सबको नहीं मालूम होगी, जैसे ही आपने बाइक स्टार्ट की फिर उसके बाद अगर ये आपका बटन ऑफ है, फिर ये ऑन करने के बाद जो आवाज़ आ रही है ना, सुनो अभी यही बीप की आवाज़ आपको कंटिन्यू बाइक चालू करने के बाद भी आएगी। तो ऐसा मत सोचना कि बाइक में प्रॉब्लम है या कोई सर्विस का इशू है, आप सुनिए आपको बैकग्राउंड में नॉइस आएगी। दोस्तों बीप का साउंड तो थोड़ा बहुत आएगा ही, क्योंकि इंजन गर्म होता है और इंजन इसका हैवी है थोड़ा, तो रॉयल एनफील्ड की सभी बुलेट में ये बीप वाली साउंड आती है,
तो मैंने सभी बुलेट में जाके शोरूम में जाके चेक किया है, तो आप ये मत सोचना कि ये कोई प्रॉब्लम है बाइक में, तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।